अच्छा, ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये शुरू में सबसे पहला पार्ट में डालूंगा आपके लिए। आपको अपना व्यू जरूर कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है मार्केट को लेके। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और साथ में ही मास्टर गाइड सीरीज में ना एक वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, मार्केट प्रेडिक्शन फॉर 2024, वो जरूर देखना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, अ जर्नी ऑफ लर्निंग्स टू एक्सेल योर अर्निंग्स। लास्ट वीक में जो मार्केट का बिहेवियर रहा वो एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए एसएच सही नहीं था। रीजन, मार्केट गैप अप ओपन हो रही थी, देन फॉल, गैप अप, देन फॉल, और सेम मार्केट का बिहेवियर रहा थ्रू आउट द वीक। रेड कैंडल क्लोज दे रही थी मंडे से लेके थर्सडे तक, और फ्राइडे को एक काइंड ऑफ लॉन्ग लोअर लेग कैंडल बनी है। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको क्या शो करती है, शो करती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बॉटम से बाइंग आ रही है। सेम आपके साथ डिस्कशन किया था कि 23,300 को ब्रेक नहीं करेगी तो हम डाउनसाइड के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, और 300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। अपसाइड में जो अभी भी रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट के लिए वो है 23,548 के आसपास। तो डिटेल में समझते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कि क्या बिहेवियर रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। फिन निफ्टी के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मंडे ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, मंडे को छुट्टी है मार्केट की। नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और थोड़ा सा टाइम देना, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मार्केट को लेके नेक्स्ट वीक के लिए, और आप एक डायरेक्शन पकड़ने में शायद आपके लिए हेल्प करेगा। गाइस, एक चीज बताओ मेरे को आप कि मार्केट में आपको इस कैंडल को और ये पर्टिकुलर बिहेवियर मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट करा है इसको देख के क्या लगता है? मार्केट में स्ट्रेंथ बन रही है, अच्छी खासी अपसाइड के लिए मोमेंटम आ सकता है, और अगर मार्केट ने इस बार 23,550 के आसपास के 48 के लेवल को ब्रेक करा और सस्टेन हुआ अपसाइड में, ट्रस्ट मी मार्केट में 24,000 का लेवल दिखा सकती है मार्केट। इसीलिए मैंने आपको बोला थंबनेल में, बाजार फॉल में आए ना आए पर रिटेलर फॉल में पहले आ रखा है। अगर आप ना ऑप्शन डाटा देखोगे या एफआईएस की पोजीशन देखोगे सेंसिबल पे जाके, तो आपको क्या शो करेगा? आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे अच्छी खासी जो एफआईएस हैं उनका बाइंग साइड में इंटरेस्ट बन रखा है, और ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, कैश की नहीं। कैश में यहाँ पे बाइंग है, अच्छी बात है, कल ऑप्शन में सेलिंग आई थी, बहुत अच्छी बात है, बट ये मंथली बेसिस है। रिटेलर मैक्सिमम इंट्राडे करता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 20 की एक्सपायरी के लिए जो हमारे रिटेलर्स हैं वो डाउनसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, और उनकी पोजीशंस भी उसी साइड के लिए इंटरेस्ट में बन रखी है डाउनसाइड के लिए, और हमारे जितने एफआईएस हैं उनकी पोजीशंस सारी की सारी बुलिश के लिए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में अपसाइड का मूव बने। इस हफ्ते मार्केट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेंज रह सकती है कि 23,548 के पास आसपास जाए, वहां पे मार्केट टाइम स्पेंड करे, फिर इसी वीक में टिल फ्राइडे मार्केट एक व्यू दिखाएगी जरूर डाउनसाइड में 22,970 से लेके 80 तक या 23,000 तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट मार्केट का हॉल्ट एरिया वहां बनता है, मार्केट का जो प्राइस एक्शन बन रखा है, और बाजार जहां तक जा सकता है, जहां पे मार्केट की मैक्सिमम पोजीशंस बनी है अपसाइड के लिए, वो बाजार को क्या चाहिए होता है? स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं, वो मिलेंगे जाने के बाद में 22,970 के आसपास, या मे बी यू कैन से 23,000 के आसपास, तो वहां तक जाने का कोशिश कर सकता है बाजार, ये मेरे को लगता है, और ये पॉसिबिलिटी बन रही है अभी। सेम अगर आप ना, मैं सेंसिबल का डाटा ओपन करता हूँ फिर उसके ऊपर समझते हैं। हाँ जी, आप देख लेते हैं सेंसिबल पे। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं वो फुल ऑन बेरिश हो रखे हैं, और उनका इंटरेस्ट है मार्केट को कि गिर जाएगी, गिरनी चाहिए, जो फॉल आएगा फॉर श्योर, पक्का आएगा, बट अच्छे से ट्रैप करने के बाद में 23,548 के आसपास या 50 के आसपास टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट एक फॉल सिग्नल क्रिएट करे इस वीक के लिए, और आपको देखने को मिले 22,970 से लेके 23,000 तक का लेवल,
वहां से फिर मोमेंटम पकड़ता है या नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके हिसाब से मार्केट प्लान करेगी। और जिस हिसाब से बुलिश मोमेंटम बना है, पॉसिबिलिटी है कि 24,000 तक जाने की कोशिश करे मार्केट। हमारे प्रो जितने भी हैं उनका पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी, दे ऑल आर बुलिश। वीकेंड पे जाने के लिए इनकी पोजीशंस हैं सिर्फ और सिर्फ हेज पोजीशन करी हुई है बिल्कुल बढ़िया से कॉल और पुट में, ताकि उनको 3 दिनों में इरोजन खाने को मिले। स्मार्ट ट्रेडर इसी हिसाब से प्लान करता है, एक रेंज देख के उसके बीच में 3 दिनों की मार्केट का इरोजन, 3 दिनों की छुट्टी इनकी टाइम डी के खाने को मिलेगा, उसके बेसिस पे इस टाइप की पोजीशन बना के लेके जाते हैं। अब अगर आप देखोगे फ्यूचर में दे आर बुलिश, मीडियम बुलिश। मीडियम बुलिश क्या बोलता है, 500 से 1,000 पॉइंट की रैली। अगर मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर में वीडियो रिकॉर्ड किया था, हमारी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट 23,500 तक आ सकती है और वहां से मार्केट में रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं। मार्केट आई भी उस 23,000 के आसपास से, मार्केट ने रिजेक्शन लिया भी 21,000 तक, पर वो क्रेडिट नहीं है। हमें बड़ा करेक्शन चाहिए एटलीस्ट 20,000 तक, वो आ सकता है। बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना तो हो सकता है कि 500 700 पॉइंट और मार्केट अपसाइड का मूव बनाए, हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल जिस हिसाब से चार्ट ने मोमेंटम पकड़ा है। ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव सिनेरियो के बाद में भी डाउ जोन 40,000 से लेके 38,000 आ गया, हमारी मार्केट 23,000 से एक दिन में 21,000 की रेंज में आती है और वहां से नेक्स्ट 2 डेज में 23,000 की रेंज में वापस चली जाती है। तो क्या शो करता है आपको कि इंडियन मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और सेक्टर वाइज आ रहा है। जैसे डिफेंस सेक्टर में आपने देखा होगा 15 से 20% का मूव आया क्योंकि राजनाथ सिंह ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने। रेलवे सेक्टर में दोबारा से बूम आ रहा है, अश्विनी वैष्णव दोबारा से बने हमारे रेल मिनिस्टर, तो ये रीजंस हैं बहुत सारे। टेलीकॉम सेक्टर में आप बूम देख रहे हो क्योंकि इस मिनिस्ट्री में मतलब जितनी बाजार है उसको स्ट्रेंथ है, उसको पता है कि अपसाइड का मूव आ सकता है। क्रूड ऑयल हमारा रिजेक्शन ले रहा है, रीजन क्या है, जितना क्रूड ऑयल और गोल्ड और मेटल सेक्टर हमारा वीक होगा, गोल्ड और सिल्वर स्पेशली, तो आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन बाजार में स्ट्रेंथ देखने को आपको अच्छी खासी मिल सकती है आने वाले टाइम। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आपको देखें तो यानी कि निफ्टी के लिए हमारा इस वीक का व्यू है कि 22,548 और मे बी 600, इसको टेस्ट करने के बाद में एक बारी मार्केट 22,980 तक आनी चाहिए, 980 23,000 तक आनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। तो ये रेंज रह सकती है बाजार की। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद में अगर मार्केट गिरती है तो आपको ये श्योर होना चाहिए फिर मार्केट का यू टर्न थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि सस्टेन हुई थी। बट अगर मान लिया कि विदाउट टेस्ट करे हुए सीधा 22,970 के आसपास या 23,000 के आसपास सीधा मार्केट आती है तो वो 24,000 के लेवल्स को खोलने के लिए बहुत सही रहेगा। इस एंगल से आप देखो 50,000 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, कैंडल बहुत प्यारी बनी है जो प्रिटेंड कर रही है कि, और 50,000 के ऊपर क्लोज भी है, साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर स्ट्रेंथ बनती है तो 51,100 से लेके 800 के बीच में इस रेंज में मार्केट जाने के लिए कोशिश कर सकती है। और अगर आप मेरे से, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने किस हिसाब से आपने ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स को प्रेडिक्ट किया, तो गाइस सब कुछ सिखा रखा है, वो आपको वीडियो देखना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कि 51,800 कैसे आ सकता है। और गाइस नए हो चैनल पे मास्टर गाइड सीरीज को जरूर देखना। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है। वैसे तो हम शायद संडे को शाम को लाइव सेशन करेंगे। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। कैसे फॉर्मूलाज वर्क करता है, वन फॉर्मूला फॉर ऑल इंडेक्स, और जितने हमारे डीप लर्निंग के स्टूडेंट होंगे मार्केट की डेप्थ बॉटम टू टॉप ईच एंड एवरीथिंग सब इंक्लूड है इसमें। लाइव एग्जांपल के साथ में आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एनी टिप्स, इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करना शुरू करो, बॉटम से लेके टॉप तक ईच एंड एवरीथिंग फॉर्मूलाज यहाँ पे इंक्लूड है, आप ज्वाइन कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। रिव्यू सेक्शन जरूर पढ़ना, आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या सिखाता हूँ और किस हिसाब से लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर निफ्टी की बात करते हैं। अब देखो
ये आपकी 4 दिनों की स्ट्रेंथ है। एक फॉल आया था हेल्दी और अपर लेवल से और मार्केट फिर से वहीं पे सस्टेन कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड में मार्केट स्ट्रेंथ दिखाए और 22,500 के ऊपर सस्टेन हो। अगर सस्टेन होती है, मार्केट ट्राई करेगी 22,650 के आसपास जाने के लिए कोशिश कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके ऊपर सस्टेन होगी तो हम बाद में बात कर डिस्कशन कर लेंगे। डाउनसाइड के लिए हम ट्रेड तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट 22,350 के नीचे ट्रेड करना ना शुरू करे, फिर हमारे लिए सपोर्ट बनेगा 22,150 के आसपास से, इससे पहले कोई हॉल्ट नहीं है, राइट? तो और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउनसाइड में 21,900 के आसपास सपोर्ट है, तो इस एंगल से आप देखेंगे। गाइस नए हो चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।